दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये मॉडल देख पा रहे होंगे, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका साइज़ है 20x45 होम डिज़ाइन विथ कार पार्किंग। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ऐसा डिज़ाइन मैं देने वाला हूँ जिसका साइज़ है 20x45 विथ कार पार्किंग एंड प्लेग्राउंड। आपको यहाँ पर छोटा सा प्लेग्राउंड भी मिलने वाला है, कार पार्किंग के लिए भी स्पेस मिलने वाला है। इसी को हम पूरा डिस्कस करेंगे, आप देख लें। इसको फ्रंट से बेहतरीन सा लुक दिया है, इसका रेलिंग है जो बेहतरीन सा डिज़ाइन है, और आसपास की बात करें वो भी आप देख लें। थ्री साइड क्लोज्ड हाउस है दोस्तों, और आप पीछे से भी देख सकते हैं और साइड से भी देख सकते हैं। अगर टॉप की बात करें तो टॉप से भी ये मॉडल आप ऐसा देख सकते हैं, फ्रंट से आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, 20x45 का होम डिज़ाइन। तो चलो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपसे मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा, अगर आप स्मॉल हाउस प्लान पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब लिखा है, इस पर क्लिक करें और इस घंटे वाले निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक हमारा वीडियो पहुंच जाएगा और आप उसे देखकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलो पूरा मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप दिखा दूं, फ्रंट से देखिएगा ये लुक है, ये प्लेग्राउंड और ये कार पार्किंग। तो हमेशा की तरीके से हम आपको इसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, और जैसे आप इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये मॉडल आपको और भी बेहतरीन दिखने वाला है। खूबसूरत सा मॉडल ये देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी में मतलब दीवारें आपकी हाइड हो गई हैं। अब आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ये मॉडल दिखने वाला है विद मतलब दीवारें आपकी हाइड होने के बाद। ये ट्रांसपेरेंसी में मॉडल ऐसा दिखेगा, आप इसे देख लें जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके इसको ले आते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर। तो जैसे ओरिजिनल पोजीशन पर लाते हैं, फ्रंट से ये लुक देखिएगा, आपको ऐसा दिखेगा। अब हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से आते हैं, मैं आपको उसको जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा पास से दिखाई दे। तो फ्रंट से सामने से ये लुक ऐसा दिखेगा। यहाँ पर दो ये पिलर दिख रहे हैं, बड़े से छोटा सा पिलर है, और ये मेन डोर है, और ये प्लेग्राउंड के लिए दोस्तों मैंने यहाँ डिज़ाइन किया है। तो जैसे मेन डोर से आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको कार पार्किंग का स्पेस ही मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों। वहीं से मैंने स्टेयर्स दिया है, ये देखिए पहले स्टेयर्स आप समझिएगा, यहाँ से स्टेयर्स गया ऊपर चढ़ गया है, और ये स्टेयर्स आपका जाएगा सामने वाली जो गेट है, जो मेन गेट उसके बीम तक, और उसी के नीचे आप कार पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका प्लेग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए, छोटा सा ग्राउंड है, फिलहाल ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी छोटा सा ग्राउंड आपको निकल आता है, जिसका आप गेट या तो सामने से दे सकते हैं या इस कार पार्किंग की बगल से भी आप स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको एक मिल जाता है गेस्ट रूम। सबसे पहले ये देखिए गेस्ट रूम, जिसका मैंने वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल दिया है, सामने से ग्लासेस लगाए हैं, और ये इसका डिजाइनिंग भी थोड़ा सा किया, ये डिजाइनिंग का पार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो ये ग्लासेस हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा, तो ये मैंने ग्लासेस दे दिया, तो यहाँ विंडो देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैंने मेन डोर दिया। इस मेन डोर से आप एंट्री करेंगे अपने इस गेस्ट रूम में, जिस पे सोफा वोफा आप डालकर कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ से, तो फिर आप ये मिल जाता है किचन सेट, ये पूरा आपका किचन है, और इसका जो डोर मैंने दिया ये ब्लैक कलर का, आप देखिए जालीदार मैंने दिया डोर, और किचन में मैंने एक विंडो दिया। तो ये देखिए विंडो भी फ्रंट से दे दिया, इसमें वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो किचन में, और एक बेहतरीन सा किचन आपका ये निकल कर आ जाता है। इसके साइड में की बात करें, ये आपका लेटरिन एंड बाथरूम है, कम्बाइंड है दोस्तों, यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, और पीछे आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं बेहतरीन से, दो बेडरूम। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं थ्री बेडरूम, तीन बेडरूम, एक लेटरिन बाथरूम, और आपके किचन, कार पार्किंग स्पेस, प्लेग्राउंड, मतलब प्रॉपर तरीके से घर डिजाइन किया है मैंने दोस्तों। सारी व्यवस्थाएं यहां पर मैंने आपको दी हैं, आप देख सकते हो वेंटिलेशन का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है इस घर में। तो ये पूरा मॉडल है जो कि मैंने डिस्कस किया, जिसका साइज था 20x45 विथ कार पार्किंग। अब इसके हम फर्स्ट फ्लोर पर आपको ले चलते हैं। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से आप देखिएगा, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, सारी चीज़ें वैसे हैं जो आपका कार पार्किंग के लिए स्पेस था वो यहाँ पर, और आपका एक बालकनी टाइप का बड़ा बन जाएगा, और 2 से 2.5 फीट मैंने आसपास और बालकनी लगा दी है। अच्छा, और सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ फर्श का डिज़ाइन चेंज किया है यहाँ पर। वहाँ पर वाइट कलर का आपका डिज़ाइन था या ब्लैक कलर का पत्थर लगा हुआ है,
स्टोन। ये वही दो बेडरूम सेम टू सेम, वही आपके लेटरिन बाथरूम, वही किचन, वही मास्टर बेडरूम या गेस्ट रूम, वही स्टेयर्स, वही सब कुछ वही, लेकिन बस ये बालकनी आपका बेहतरीन लुक और देने लगती है, जो कि बेहतरीन से है। फिलहाल अगर आप बात करें ये इस वाले स्पेस की, जो प्लेग्राउंड वाला स्पेस आपका ऊपर तक अगर आप बनवाते चले जाएंगे तो ये खाली जाएगा, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एक रूम डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि जैसा ये पीछे रूम है उसी के बिल्कुल सीध में रूम डिजाइन कर सकते हैं अगर यहाँ पर इसको ढक दिया जाए तो। यह आप पर डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर। आप इसका लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम दिया है और सामने से आपको लास्ट फ्लोर ऐसा दिखेगा डिजाइन। ये देखिए ये झरोखे टाइप के जो आप देख रहे हैं, वेंटिलेशन का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा गया है। और लास्ट फ्लोर जो मैंने बता रहा ये आपका एक ऊपर रूम है, बाद बाकी कुछ भी नहीं और पूरा फर्श है। तो ये पूरा डिजाइन था जो मैंने डिस्कस किया 20x45 हाउस प्लान विद कार पार्किंग। अगर कोई भी कमी आपको नजर आती है मुझे कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ। अगर आप कोई भी मॉडल चाहते हैं, कोई मॉडल बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। यहाँ पर हमारे चैनल पर लगातार वीडियो डाले जाते हैं 15x50, 13x35, 18x45, 25x40, लगातार आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। आप अपने सुविधानुसार वीडियो देखकर इस को सुविधानुसार वीडियो देखकर आप कोई भी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन किया मैंने, आप हमारे चैनल पर से जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।